नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाकवि भर्तृहरि का श्रृंगार शतक चल रहा है। आसारेण न हर्म्यतः प्रियतमई यातुं वही शक्यते सीतोत्कंप निमित्त मायत दृशा गाढ़ं समालिंग्यते जाताः शीतल शीकराश्च मरुतो वान्त्यन्तखे दच्छिदो धन्यानां बत दुर्दिनं सुदिनतां याति प्रिया संगमे। जितना सुंदर वर्णन उतना ही सुंदर छंद। लगातार बारिश हो रही है। बारिश की आज ऐसी झड़ी लगी है कि प्रियतम घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। बरसों रे बरसों मेघा, आज ऐसे बरसे हैं कि प्रियतम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। वातावरण में बड़ी ठंडक है और शीतलता के कारण जब प्रियतमा अपने प्रियतम को आलिंगन में लेती है तो प्रियतम भी उसको अपनी छाती से ऐसे लगा लेता है कि अब छोड़ना नहीं है। और इसके बाद जब थक के वो चूर होते हैं तो बहता हुआ सुंदर शीतल पवन उनके उन पसीने की बूंदों को इस प्रकार से सुखा देते हैं कि गर्मी का कोई नामो निशान नहीं रहता है। धन्य है संस्कृत में इस स्थिति को जब लगातार बारिश हो रही दुर्दिन कहा जाता है। लेकिन भर्तृहरि कह रहे हैं धन्यानां बत दुर्दिनं सुदिनतां याति प्रिया संगमे। वो धन्य हैं जिनको अपने प्रियतम या प्रिया का समागम मिलता है और जिनका दुर्दिन भी सुदिनतां याति सुदिन बन जाता है, आनंद का दिन बन जाता है। वैसे तो ऐसे वातावरण में जब आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप परेशान होते हैं, आपके कार्य रुक जाते हैं, लेकिन दुनिया के सारे कार्य आप करते किस लिए हैं? इसीलिए तो सारे काम किए जाते हैं कि आप जीवन में आनंद के वो क्षण और अधिक आनंद के साथ व्यतीत कर पाए। तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, अगर ये चला जाए तो वास्तव में वो नौकरी बेकार है, वो आपके कार्य बेकार हैं। कवि कहता ऐसी स्थिति में जिसको दुर्दिन कहा जाता है, अच्छे लोगों के लिए या भाग्यशाली लोगों के लिए वो दिन दुर्दिन नहीं रहता है, वो दिन भी सुदिन बन जाता है, वो दिन भी आनंद का दिन बन जाता है।